देखो अपन इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और वो कल की जो वैल्यू अपन ने पढ़े थे वो साथ में रखना। दिस इज पेज नंबर 1, ठीक है। वैल्यूज को आप लोग साथ में रखना, क्योंकि वो वैल्यू अभी हमारे लिए बहुत काम में आने वाली है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि ग्राफ ऑफ साइन एक्स वर्सेस एक्स, या फिर साइन थीटा वर्सेस थीटा। देखो ये 360 डिग्री तक वैल्यू अपन लिखेंगे। यहाँ पे अपन ने थीटा लिया और वाई एक्सिस पे हमने साइन थीटा ले लिया, इसकी वैल्यू +1 तक, और सबसे नीचे कहाँ तक जाएगी, -1 तक जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर पॉइंट लिखना है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 150, फिर 180, 210। 30 30 के इंटरवल ले लो, 240, 270, 300, 330 और 360 डिग्री। ये इंटरवल आपको इस तरह से लेना है, ठीक है। उसके बाद में अब आपको वैल्यू देखनी है, किस तरह से वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। ये जो वैल्यूज थी हमारे पास में, जो टेबल कॉपी पे बनाया वो साथ में रखो, जो टेबल आप लोगों ने कॉपी पे बनाया है वो सामने रखो अभी, ठीक है। देखते चलो। उसके बाद ये हो गया 180, फिर 210 एंड देन 240 एंड देन 270। मेरे पास ये रेडीमेड ग्राफ है, मैं डायरेक्ट दिखा सकता था आप लोगों को, लेकिन कैसे ड्रॉ करना है वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। और ये 0.5 की लाइन यहाँ कहीं पर से आ जाएगी, दिस इज 0.5। ये 0.5 की लाइन है या फिर 1/2 की, और ये -0.5 या -1/2, ठीक है। उसके बाद में एक और वैल्यू आती है √3/2, मतलब जैसे sin 60 √3/2 होता है, तो √3/2 कितना लिखे थे, 0.1/2 का मतलब 0.5, एंड √3/2 की वैल्यू 0.866 का 0.87। तो 0.5 यहाँ पे है, 5, मतलब ये 8.67। तो यहाँ कहीं से एक और लाइन आपको ऐसी सीधी ड्रॉ कर देना है। सो दिस इज 0.87 आप लिख सकते हो। ये ऐसे ही नीचे यहाँ कहीं पर से आ जाएगा, एक और लाइन ऐसी ड्रॉ कर दो जो यहाँ से पास हो, 0.87 विथ माइनस वैल्यू, और ये जो वैल्यू है ये -1 है। ये समझ गया, मैंने जो मार्किंग किया है, आया ना, जो मार्किंग किया है वो समझ गए कि नहीं। हेलो, मार्किंग ये समझ तो गए कुछ ना? नहीं समझा। यस सर, ओके, अभी चलो वैल्यू पुट करते हैं नहीं अपन। समझा सर, सर नहीं अरे समझा। ये 30 60 90, ऐसा इधर पे एक्स एक्सिस पे आपने क्या ले लिया, थीटा ले लिया, और वाई एक्सिस में आपने किसकी वैल्यू ले लिया, साइन थीटा की वैल्यू ले लिया। वाई एक्सिस में साइन थीटा की वैल्यू और एक्स एक्सिस में थीटा, और इंटरवल कौन से बनाए अपन ने, 30 फिर 60 फिर 90 फिर 120, मतलब 30 30 30 डिग्री का। यहाँ पे अपन ने जैसे 1 लिखते हैं या 3 6, ऐसा। तो एक्स एक्सिस में आपने एंगल लिख दिया और वाई एक्सिस में आपने क्या लिख दिया, साइन थीटा की वैल्यूज लिख दी। समझ गए? तो यस सर, यस सर, समझ साइन गए। थीटा की वैल्यू एक सबसे ज्यादा होती +1 और सबसे कम क्या होती, -1। तो उन पॉइंट्स को आपने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। टाइमिंग का ध्यान रखा करो बेटा, फटाफट एंटर हुआ करो, मतलब 1 2 मिनट के अंदर एंटर हो जाए करो।
एक्स एक्सिस में आपने क्या लिया है एंगल 30, 60, 90। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे ग्राफ बना रहे हैं। किसका ग्राफ बना रहे हैं? साइन थीटा और थीटा का। और कल अपन ने पूरा टेबल बनाए थे 360 तक, वैल्यूज अपन ने देखे थे। तो साइन की जो वैल्यू होती है मैक्सिमम प्लस वन होती है। तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे आपका साइन थीटा है, तो सबसे ज्यादा मैंने प्लस वन तक लिखा और सबसे कम कहां तक लिखा मैंने माइनस वन तक। अब जैसे साइन 30 आता है तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। 1/2 को आप क्या लिख सकते हो? 0.5। तो 0.5 कहां पे आएगा? ये जीरो है, यहां पर जीरो है। 0.5 कहां पर रहेगा? ये वैल्यू आप, दिस इज जीरो एज वेल एज इट इज आल्सो जीरो डिग्री, और ये साइन थीटा इधर पे रहेगा ऐसा। तो साइन 30 पे 1/2 होता, साइन 60 पे √3/2 होता। √3/2 की वैल्यू मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया सॉल्व करके। समझ गए या नहीं? अभी समझ गए पॉइंट? समझ गए कैसे लिखे अपन ने सभी, क्या क्या रिक्वायरमेंट थी ग्राफ बनाने के लिए हमने ले लिए। जैसे ग्राफ पेपर में देखना क्या बने होते हैं, वहां पे डिविजन बने होते बहुत सारे, है ना? तो वैसे जब हमको प्लेन कॉपी में इस तरह के कोई ग्राफ बनाना है तो ऐसे डिविजन अपन ने बना दिया। समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए सर। हाँ, आप yes, sir, समझ गए। ओके, अब साइन जीरो में कितना आंसर होता है? साइन जीरो की वैल्यू क्या है? अगर जीरो डिग्री है तो जीरो होता ना आंसर, तो एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा आपको। हाँ या ना? अरे साइन जीरो में जीरो होता है कि नहीं होता? होता है। साइन 30 कितना होता है? 1/2। तो ये साइन है और ये 30, तो साइन 30 की वैल्यू क्या आएगी? 1/2। मतलब यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा आपको दूसरा, है ना? समझ गए? साइन 30 में 1/2, इसलिए ये आ गया 1/2। क्लियर हो गया अभी? अब इधर पे yes, sir. अब साइन 60, तो साइन 60 होता है √3/2। √3/2 मतलब 0.87, तो मैंने यहाँ पे बना दिया है, तो ये एक 0.87 का पॉइंट आ गया। समझ गए या नहीं? समझ गए। अब साइन 90, साइन 90 कितना होता है? प्लस वन होता है, तो प्लस वन में ये वाला पॉइंट आएगा आपका। ठीक है, समझ गए? समझ गए सर। अब साइन 120 कितना होता है? वापिस से साइन 120, साइन 120 वापिस से √3/2 मिलता है। देखो कॉपी खोल के बैठो साथ में, कल का जो टेबल था उसमें वैल्यू देखो, कॉपी खोल के साथ में बैठो। साइन 120 की वैल्यू देखो कितनी लिखी है, √3/2 मतलब यही वाली आएगी। तो साइन 120 में अब पॉइंट नीचे आने चालू हो गए। साइन 150 कितना होता है? 1/2 देखो कॉपी पे, आया ना? यस। और साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। ये फिर से एक और पॉइंट मिल गया। तो साइन 150 हो गया 1/2, साइन 180 जीरो, साइन 210 देखो कितना है, साइन 210 माइनस जीरो पॉइंट फाइव। समझ गए? -0.5 या -1/2 का मतलब -0.5 आएगा, तो साइन 210 में यहाँ पे पहुंच गया। समझ गया बेटा? साइन 240 डिग्री, साइन 240 में कितनी वैल्यू है? -√3/2 है। -√3/2 है ना? हाँ सर। तो -√3/2 मतलब माइनस, देखो -1/2 मतलब -0.5 और -√3/2 मतलब -0.87। -0.87 यहाँ कहीं पे आ गया। और साइन 270 की वैल्यू देखो कितनी है, -1 है, आया ना? दिख रहा है साइन 270 -1। समझ गए? साइन 270 की वैल्यू देखो -1 दिख रही है कि नहीं दिख रही है? यस सर। अब साइन 300 की वैल्यू बताओ कितनी है? साइन 300 -0.86 -√3/2 मतलब फिर से यहाँ पे पॉइंट आ गया। अब ऊपर चलने लगा ये, उसके बाद फिर
साइन 330 की वैल्यू देखो कितनी लिखी है, साइन 330 की वैल्यू माइनस वन बाई टू मतलब यहाँ पे आ गया। अब साइन 360 कितना है देखो, जीरो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको सारे पॉइंट मिल गए, आपको क्या करना है, इसको स्केल से ज्वाइंट नहीं करना, कि ऐसा स्केल से ज्वाइंट नहीं करना है, फ्री हैंड जैसे अपन कोई ड्राइंग बनाते हैं और स्केल यूज नहीं करते, वहां पे फ्री हैंड अपन कर्व ड्रॉ करते, तो वैसे यहाँ पे इसको फ्री हैंड ज्वाइन करो बिना स्केल का यूज किए। अभी देखो ये इस तरह से लाइन ऐसी मिलती जाएंगी यहाँ पे आपको, ये ऐसा ग्राफ कुछ दिखेगा फ्री हैंड लाइन करने से, दिख रहा है आया ना? यस सर। हाँ सर, ये आपको कुछ बेटा इस तरह का ग्राफ दिखाई देगा यहाँ पे फ्री हैंड जब आप ज्वाइन करोगे, फ्री हैंड ज्वाइनिंग में आपको ये इस तरह का ग्राफ दिखाई देगा यहाँ पर, ये फ्री हैंड, फ्री हैंड ज्वाइन करना इसको, ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं सर? तो, अगर ग्राफ पेपर में ड्रॉ करेंगे तो कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं कोई गड़बड़ नहीं, ग्राफ पेपर में भी कर सकते हो, बट क्यों करोगे, ग्राफ पेपर में करोगे तो जो इंटरवल लिए अपन ने वैसे ही लेना, तो और अच्छा बन जाएगा तुम्हारा डायग्राम ग्राफ पेपर पे, अच्छा बनने का मतलब समझ गए? अभी यहाँ पे कहीं पे थोड़ा बहुत कम ज्यादा दिख रहा है, ये इंटरवल कहीं थोड़े बहुत कम ज्यादा हो जाते हैं, अगर आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो बहुत अच्छा डायग्राम बनेगा, बहुत अच्छा ग्राफ बन जाएगा इसका, ठीक है साइन का, ये समझ गए कि नहीं? अभी देखो कोई डाउट अभी इस पे? नो सर। हाँ तो क्या इसी तरह से आप कॉस का बना सकते हो इसी मेथड से? यस सर बिल्कुल। इसी मेथड से कॉस का ग्राफ ड्रॉ करके देखना कैसा बनता है, ठीक है, समझ गए कि नहीं सर? हाँ बोलो। अपन ने टेबल में 135 डिग्री भी लिए थे, वो क्यों नहीं मार्क किए? अच्छा ठीक है, अपन ने 45 लिए थे तो 30 और 60 के बीच में यहाँ कहीं पे 45 आएगा, है ना? यस सर। हाँ अभी देख, अगर मैं 45 लेता तो अब ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता बनाने में, मतलब थोड़ी सी समस्या ये क्रिएट होती। 45 डिग्री में 1/√2 मतलब 7 ये यहाँ कहीं पे ये वाली वैल्यू मिलती 0.707, क्योंकि 1/√2 कितना आया था, 0.707 आया था। Yes, तो 45 डिग्री में आपको एक वैल्यू और मिल जाती यहाँ कहीं की, तो फर्क क्या पड़ता, समझ गए कि नहीं? हाँ सर। तो फिर ड्रॉ करना है कि नहीं करना है? तो अभी आप जब ड्रॉ करोगे ना तो 30-30 के इंटरवल लेके ड्रॉ करना ग्राफ पेपर, जहां भी ड्रॉ कर रहे हैं सिंपल कॉपी में कर रहे हो, तो जब पॉइंट आप लोगे जैसे कहीं पे गैप कहीं कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो स्केल प्रॉपर ले लो ना, जैसे एक्स एक्सिस में जब मार्किंग करोगे सादे पेपर में तो एक एक सेंटीमीटर को 30-30 लेते जाना, समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ तो अभी सेम मेथड से आपको कॉस थीटा का ग्राफ भी ड्रॉ करना है, ये तुम्हारा होमवर्क है, कॉस थीटा का ग्राफ आपको खुद ड्रॉ करना है। ये मैंने 360 तक बनाया, क्या इसके आगे नहीं बनेगा 360 के बाद में? सर बन सकता है, बिल्कुल सेम बनेगा 360 से 720, मतलब एक प्रकार से आप देखो ये सिमिलर पैटर्न, अभी ये जो पैटर्न आपको यहाँ तक का दिख रहा है 360 डिग्री में एक राउंड हो जाता पूरा, है ना, और फिर और आगे घूमोगे तो अगले राउंड पे घूमोगे, तो अगले राउंड पे ये जो ग्राफ है फिर से जैसा यहाँ से चालू हुआ इतना, मतलब पूरा उठा के इसको आगे रख लो, उठा के आगे रखने का मतलब समझ गए, 360 तक जैसा उसको आगे रख दो उठा के, तो 360 से 720 तक का बिल्कुल ऐसा ही वैसे ही बनेगा ग्राफ, समझ गए या नहीं? हेलो। यस सर। यस सर। ओके, अब ऐसा आप 720 अकेला नहीं, ऐसे तो कितने भी जा सकते हो, 360 मतलब कितना होता है 2π, ये 2π होता है कि नहीं, और 180 मतलब कितना होता है आपका पाई होता है, तो 2π से लेकर 4π तक बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, फिर 4π से लेकर 6π तक फिर से बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, क्लियर हो गया कि नहीं? हेलो। हाँ। तो सर जो
कॉस थीटा का जो होमवर्क दिया है आपने वो ग्राफ में करना है या फिर साधे में? साधे पेपर में बना लो ना, ग्राफ पेपर कहाँ ढूंढते रहोगे तुम लोग, घूमगे कि नहीं घूमगे, है ना? साधे पेपर में बना लो, साधे पेपर में बन जाते हैं, क्या दिक्कत है उसको? ठीक है यस सर। तो ये एक्स एग्जाम में आता है बनाने को? हाँ, ये एक्स अलग बनाना, एक्स एक्सिस में को आप स्केल से बना लेना। तो आप अभी क्या, आप सीधी लाइन खींचने की आदत नहीं होगी, स्केल से खींचते होगे आप लोग, ठीक है? बाकी सब आप स्केल से ड्रॉ कर लो, लेकिन जब कर्व बनाओगे ये वाली, तो ये स्केल से ज्वाइन नहीं करना, ठीक है? कर्व को स्केल से ज्वाइन नहीं करना, मतलब ऐसा स्केल लगा लगा के नहीं करना कर्व को, आपको फ्री हैंड ड्रॉ करना है, स्मूथली ड्रॉ करना है, समझ गए? हेलो, समझ गया बेटा? यस सर। यस सर। कॉस का ग्राफ आप लोग बनाना, ठीक है? मैं इसको मिटा दूं, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जल्दी से, पेज नंबर वन, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर। देखो अपन ने अभी साइन का बनाए 360 तक देखे, आगे का मैं सीधे सीधे बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? इधर पे आपने थीटा लिया, ये y एक्सिस है, इधर पे आपने साइन थीटा लिया, ये जीरो और ये प्लस वन और ये माइनस वन, तो मैं 90 डिग्री के इंटरवल में ले लेता हूँ, 90 फिर 180 फिर 270 फिर 360 फिर 450 540 630 और 720। तो अगर इनको आप पाई के टर्म पे लिखते हो तो ये पाई बाई टू ये रहेगा पाई, ये रहेगा 3π/2, ये रहेगा 2π, फिर ये रहेगा 5π/2, ये रहेगा 3π, ये रहेगा 7π/2 और ये रहेगा 2π इधर पे x एक्सिस पे। तो अब 2π तक अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो ये कैसे बनेगा, 360 तक मैंने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है? साइन 0 पे 0, साइन 90 पे आती वैल्यू 1, साइन 180 पे 0, साइन 270 पे 0, 360 पे 0 और 270 पे -1, 450 पे +1, 540 पे 0, 630 पे फिर -1 और ये फिर 0। अगर आप अब इसको फ्री हैंड ड्रॉ कर दोगे, 360 तक का तो मैंने बता ही दिया था, बीच के इंटरवल नहीं लिया हूं, आप लोग ले सकते हो। ये एक राउंड हो गया 360 तक, फिर ये दूसरा राउंड हो जाएगा आपका 720 तक। तो ऐसे तो तुम आगे कहीं तक भी बना सकते हो, समझ गए कि नहीं? यहां तक तो मैंने ड्रॉ करवाया था, अगला राउंड ये हो गया, फिर और अगला राउंड ऐसे ही बनता जाएगा। पैटर्न से ना बोलो, आप कुछ पूछ रहे हो? हेलो, पूछ रहे सर, पैटर्न सेम ही रहेगा? हाँ बिल्कुल सेम। हाँ सर, पैटर्न पैटर्न। अब देख, 2π से लेकर देख, अभी 2π, ये 4π बनेगा, सॉरी ये 2π नहीं, ये 4π है, दिस इज 4π, मतलब दो राउंड हो गए ना, ये 4π आएगा। तो हर 2π के बाद में ये 2π है, फिर ये इतना 2π है, फिर इतना 2π है, तो हर 2π के बाद बिल्कुल वैसा की वैसा ही रिपीट होता है। इसलिए अगर आपको 360 डिग्री तक के बारे में इंफॉर्मेशन पता है तो आगे की इंफॉर्मेशन आप खुद ब खुद निकाल सकते हो, समझ गए? अब ये बताओ 0 से 90 तक कितने एंगल मिलेंगे? प्रोटेक्टर देखा ना आपने, उसमें 1 डिग्री भी मिलता आपको, 0.5 डिग्री भी मिलता है ना, 15 डिग्री भी मिलेगा, 13 डिग्री भी मिलेगा। तो 0 से 90 तक अगर आप एक एक डिग्री का इंटरवल बनाओगे ना, कॉपी में पॉसिबल नहीं होगा बनाना, अगर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री लोगे तो, समझ गए कि नहीं? 720 तक बहुत मुश्किल है, इसलिए अपन ने बीच के पॉइंट हटा दिए, क्लियर हो गया? अब मान लो आपको यहाँ पर जैसे 45 डिग्री है ये,
तो 45 डिग्री पे वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू आएगी यहाँ पे 45 डिग्री की, और ये वाली जो वैल्यू रहेगी 45 डिग्री की, ये पॉइंट है यहाँ पे 45 डिग्री की वैल्यू 0.707 होती है, जिसको आप क्या बोलते हो, रूट टू बोलते हो। तो मैंने यहाँ पे 90-90 के इंटरवल लेके बना दिया। तो सेम आपको अब कॉस का बनाना है, पहले 30-30 का इंटरवल लेके 360 तक बनाना है, और फिर 90-90 का इंटरवल लेके 720 तक बना लेना, और आगे की बना सकते हो। ठीक है, समझ गया या नहीं? हेलो, समझ गया बेटा? यस सर। कोई डाउट yes, क्लास में किसी भी बच्चे को कोई डाउट है क्या? यस सर, मैं बोल रहा था सर, ये पैटर्न आगे तक वैसे ही रहेगा एकदम? हाँ बिल्कुल वैसे ही जाएगा, 4π के बाद में भी। देख अपन ने जैसे लिए ना π/2, फिर मतलब 90 का टेबल पढ़ते जा तू आगे बस। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही बनता जाएगा आगे का पैटर्न। समझ गया सर? ओके। अब ये बता मुझे, साइन थीटा की वैल्यू 0 कब कब होती है, देख के बताओ, ग्राफ से देख के बताओ। ग्राफ की स्टडी भी बननी चाहिए ना हमको, ग्राफ तो बना लिया हमने। अगर मैं ये बोलूं यहाँ पर कि साइन थीटा की वैल्यू 0 कब कब मिल रही है, साइन 0 0, साइन 180 इज 0, साइन 360 इज 0, साइन 540 इज 0, साइन 720 इज 0, है ना? या फिर पाई के टर्म पे लिख दो, साइन की वैल्यू 0 कब कब है, 0 पे, फिर पाई पे, फिर 2 पाई पे, फिर 3 पाई पे, फिर 4 पाई पे। समझ गए या नहीं? हेलो, यस सर, समझ गए समझ गए। हां, ऐसे प्लस वन कहाँ कहाँ पे दिख रही है, एक 90 डिग्री पे प्लस वन दिख रही है, फिर अगली बार आपको 450, है ना, 450 मतलब 5π/2 पे प्लस वन दिख रही है, तो ये इस तरह से वैल्यू आ रही। तो 360 के बाद में पूरा आइडेंटिकली रिपीट होता है, ध्यान रखना, समझ गए? 360 डिग्री के बाद में, yes, sir. हाँ ओके। तो आप लोग अब इस पेज का स्क्रीन शॉट ले लें जल्दी से, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो कॉस का आप लोग ड्रॉ करके देखना, ले लिया क्या बेटा? इस पेज का स्क्रीन शॉट हो गया लेकर, हो गया क्या? यस सर, यस सर। अब सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, पेज नंबर 3, वो 2 था। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जिनको याद करना है, मतलब अल्टीमेटली यही है। देखो वैसे तो मैंने यहाँ पे आपको 360 तक का टेबल बता ही दिया है, बट एक और कुछ आइडेंटिटी, मतलब आप क्वाड्रेंट सिस्टम में भी इनको देख सकते हो। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना? अगर आप यहाँ पे 0 डिग्री लेते हो तो यहाँ से इतना घूमे, अगर आप यहाँ से अगर आप इतना घूमते हो तो 90 डिग्री आएगा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो। फिर यहाँ पे आप आ गए तो ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री, फिर यहाँ पे आप और घूम गए 370 डिग्री, फिर यहाँ पे एक राउंड पूरा हो गया तो ये आ गया आपका 360 डिग्री। समझ गए कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से 90 तक ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, cosec theta, sec theta and cot theta, जितने भी trigonometric ratio होते हैं 0 से 90 degree तक सभी की value plus में होती है। समझ गए? 0 से 90 degree तक सभी की value plus में होती है। Clear हो गया? 0 से 90 तक सभी की value plus में होती है, हाँ? और 90 degree से 180 degree तक only sin theta and cosec theta are positive, cosec theta are positive and rest are
नेगेटिव, बाकी जितने भी हैं नेगेटिव रहेंगे, सिर्फ साइन और कॉस क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, और बाकी जितने भी आएंगे वो सब कैसे हो जाएंगे यहाँ पे, नेगेटिव, एंड रेस्ट आर नेगेटिव। मतलब आप कॉस की वैल्यू 90 से 180 तक आपको माइनस में मिलेगी, ठीक है, कॉस की वैल्यू, सेक की वैल्यू, कॉट की वैल्यू, टेन की वैल्यू, सिर्फ साइन की वैल्यू प्लस में रहेगी। इसलिए देखो अपन जब वो लिख रहे थे कल, टेबल मैंने बनवाया था या आज अपन ने जब ग्राफ प्लॉट किए, तो साइन थीटा की वैल्यू 0 से 180 तक प्लस है ना। अब थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली टेन थीटा एंड कॉट थीटा आर पॉजिटिव, मतलब 180 से 270 तक ये थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें टेन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होती है एंड रेस्ट आर नेगेटिव, एंड रेस्ट आर नेगेटिव, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब 270 से 360 तक ओनली कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर पॉजिटिव एंड रेस्ट आर नेगेटिव। तो यहाँ पे सिर्फ कौन पॉजिटिव होते हैं, कॉस और सेक, 270 से 360। मतलब और अगला राउंड और घूम जाओ आप, तो 90 का टेबल पढ़ते जाओ, तो फिर ऐसा सेकंड राउंड में आप 720 पे आ जाओगे फिर बिल्कुल। अगर आपको 90 तक पता तो बिल्कुल उसके बाद के राउंड बिल्कुल वैसे, सॉरी 360 तक पता तो अगले राउंड बिल्कुल वैसे ही चलेंगे आपके 90-90 के टेबल से। जैसे यहाँ पे 360 के बाद अब आपका क्या आएगा, 9 4 36 9 5 450 डिग्री है ना, और फिर और अगला राउंड ऐसा आप घुमाते जाओगे, और ये हो गया 540। तो साइन की वैल्यू 450 से 540 तक फिर प्लस में मिलेगी आपको, तो ऐसा आप पूरा घूम सकते हो, कितना भी घुमा सकते हो। एंड रिमेम्बर, हमेशा ध्यान रखो, ये अपन ने ऑलरेडी किया था, पाई बाई टू इज इक्वल टू होता है 90 डिग्री। तो आप पाई बाई, यहाँ पे पाई बाई टू, ये पाई, ये 3 पाई बाई टू, ये 2 पाई है, this is pi by 2, this is pi, this is 3 pi by 2 and this is 2 pi, तो आप pi by 2 add करके भी वैल्यू को देख सकते हो, ठीक है, समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए या नहीं बेटा, इस पे कोई डाउट है? नो सर, समझ रहे सर। ओके, अभी इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जल्दी से, ले लिए? यस सर। ठीक, तो अगले उसमें जा रहा हूं मैं, अगले पेज पे, पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 अभी ना, देखो पेज नंबर 4 में, अब मान लो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम है और 0 डिग्री से ज्यादा है, तो यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी में लिख रहा हूं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। कुछ बच्चे टिकड़म लगा लेते सॉल्व में, ऑल सिल्वर टी का ऐसा, ऑल मतलब सब पॉजिटिव रहेंगे, सिल्वर मतलब साइन यहाँ पे पॉजिटिव तो कोसेक भी आ ही जाएगा, टी मतलब टेन, यहाँ पे टेन पॉजिटिव और यहाँ पे कप मतलब कॉस पॉजिटिव, तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हो। फिर यहाँ पे ये मैंने टर्म लिखा है कि थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो ये एंगल आपका 0 डिग्री, यहाँ पे आपका 90 डिग्री है ना, ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री, फिर ये बन गया आपका 270 डिग्री और ये बन गया आपका यहाँ पर 360 डिग्री। तो ये आइडेंटिटी आपने पढ़ा था, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, आया ना, थीटा 90 से कम है और 0 से ज्यादा है, मतलब
अगर मैं यहाँ पे इस तरह से ले लूं तो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, जैसे सपोज मैंने ये थीटा लिया यहाँ तक का, या फिर आप यहाँ से ये वाली वैल्यू ले लो, इतना अगर आपने थीटा लिया है तो ये वाला जो एंगल आपको दिख रहा है, दिस इज 90 माइनस थीटा का एंगल आपको दिखेगा। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये आपको पता है, 10th क्लास में पढ़े थे आपने। अब अगर मैं इतना एंगल थीटा ले लूं, इतना और यहां तक, यहां से इतना थीटा था, यहां से इतना थीटा, तो ये जो टोटल एंगल आपका दिख रहा है इतना, ये यहां तक का ये एंगल आपको कितना दिख रहा है, जिससे 90 प्लस थीटा, ये 90 प्लस थीटा का दिखेगा आपको। तो ये आइडेंटिटी होती है साइन 90 प्लस थीटा इज प्लस कॉस थीटा, ठीक है, दिस इज 90 प्लस थीटा, और कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, क्योंकि कॉस की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो ये आइडेंटिटी है कुछ, अभी आपको इनमें स्ट्रेस नहीं लेना है, सीधे सीधे ध्यान पे रखना है। तो साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, लेकिन जब आप प्लस कर रहे हो तो साइन 90 प्लस थीटा इज प्लस कॉस थीटा, बट कॉस 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, दिस इज द ऑल्टरनेटिव फॉर्म। भाई अपन ने हालांकि पहली टेबल बना ली, आप इस तरीके से भी और वैल्यूज को पता कर सकते हो, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी बताना था मुझे, इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ इस तरह से। और अब अगर 270 मान लो यहाँ तक का एंगल आपका थीटा है, तो बेटा इतना पूरा जो एंगल बनेगा, दिस इज 270 माइनस थीटा का बनेगा, तो साइन 270 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, और cos 270 plus theta is minus sin theta, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में sin और cos दोनों नेगेटिव होते हैं, इसलिए आ गया। और अगर आप यहां पर देख रहे हैं theta इतना है, तो फिर इतना पूरा यहां तक का जो एंगल आपको देखिएगा, ये पूरा यहां से यहां तक का, this is 270 plus theta, तो वैल्यू कितनी बनेगी यहां पे, sin 270 plus theta is माइनस कॉस थीटा, बट कॉस 270 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू प्लस साइन थीटा। तो ये कुछ आइडेंटिटी है, पहली बार में अगर नहीं भी समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे समझ जाओगे। एक आप इसका चार्ट प्रिपेयर कर लो तो ज्यादा बढ़िया है ना, समझ गए या नहीं? हेलो, यस सर, हाँ थोड़ा समझ रहा है क्या सर? थोड़ा थोड़ा समझ रहा है। हाँ कोई बात नहीं, आप इनका ना क्या करना पड़ेगा, आपको चार्ट प्रिपेयर करके रख लेना, अभी पहली रीडिंग में नहीं भी आ रहा तो कोई बात नहीं, दो तीन रीडिंग में आ जाता फिर ये, है ना, ठीक है। पहली रीडिंग में नहीं भी आइडेंटिटी है ना बेटा, याद रखना पड़ेगा अल्टीमेटली, तो ये याद रखने की ट्रिक है। मैं सीधे सीधे फार्मूला लिख देता ना तो बोल देता कि ये आइडेंटिटी इनको याद करना है, तो यहाँ पे मैंने डायग्राम बना के कुछ ट्रिक बनाने की कोशिश किया जिससे आप लोग याद रख सको, बस और कुछ नहीं, ठीक है, समझ गए? ये डायग्राम बना के याद रखने के लिए मैंने कुछ ट्रिक बनाया यहाँ पे, समझा कि नहीं? यस सर। हाँ सर, ओके। आप लोग अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, पेज नंबर 4। वैसे मैंने 360 तक ऑलरेडी आप लोगों को वैल्यू बताई दिया है, वो याद रखना पड़ेगा 360 तक की जो वैल्यू है। तो आपको जो भी तरीका अडॉप्ट करना है, क्या ट्रिक आप लोग बनाते हो, आप अपनी खुद की ट्रिक बनाओ उनको याद रखने के लिए, ये याद रखना पड़ता है, इसमें समझने का ज्यादा नहीं है। जैसे 90 तक का तो ठीक है, अपन ने निकाल दिए थे, बट बाकी फिर याद रखना पड़ता है। जैसे 0 से 90 डिग्री तक सब पॉजिटिव रहते हैं, 90 से 180 तक सिर्फ साइन पॉजिटिव है, 180 से 270 तक cos 10 पॉजिटिव होता, बाकी नेगेटिव होते, तो ये याद रखने पड़ते हैं हमको अल्टीमेटली। इसमें कुछ रोल नहीं है ऐसा समझने का कि भाई कैसे कोई मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या डिवीजन हो रहा है, वैसा कुछ नहीं, यहाँ पे याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, समझ गए या नहीं? सर समझ गए। ओके सर, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जल्दी से। सर फोर्थ क्वाड्रेंट में तो cos थीटा प्लस में आता है ना? हाँ
और शायद प्रूफ भी किया होगा, हाँ या ना? हाँ समझ गए? हाँ सर। हाँ तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, मैं एक क्वेश्चन से इसका यूज बताता हूँ कि कैसे करना है, ठीक है? ले लिए क्या स्क्रीनशॉट? ले लिए सर। हाँ ठीक है, यस सर। ओके अभी देखो, जैसे हम एक क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल है। सपोज आपको किसकी वैल्यू निकालना है, साइन 210 की वैल्यू निकालना है कि साइन 210 की वैल्यू कितनी है, समझ गए? या कॉस 330 की वैल्यू कितनी है, ये आपको निकालना है, समझ गए कि नहीं? साइन 210 या कॉस 330 जो भी है, मैं एक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दूसरा आप लोग ट्राई करना। अरे समझ गया है क्वेश्चन? Yes, टेबल बना हुआ है, उसमें पता ही है अपने को वैल्यू कितनी है, 1/2 आती शायद, -1/2 है ना? हेलो, अरे जो टेबल बना था कल बनवाया था, साइन 210 की वैल्यू देखो कितनी है, साइन 210 की वैल्यू देखो टेबल में, -1/2। हाँ ठीक है, तो अभी देखो 210 को आप क्या लिख सकते हो, 210 को आप लिख सकते हो 270-60, आया ना? यस सर। लिख सकते हो कि नहीं? अब सिंस 210 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये रहेगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, आया ना? यस सर। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा कैसा होता है, नेगेटिव होता है, समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ तो अब यहाँ पर आपके पास में साइन 210 डिग्री है, तो दोनों तरफ लिख दो साइन, यहाँ भी साइन ले लो इधर भी साइन, 270-60 लिख सकते हो कि नहीं, आया ना? यस। हाँ yes. देखो साइन की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ गया, और साइन 270-थीटा क्या बनता है आपका, कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब कॉस 60। तो अब जो आंसर आएगा आपका माइनस कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो आंसर इज -1/2, समझ गए? समझ गए या नहीं? नहीं सर। कहां पर से नहीं समझा सर? वो साइन 210 डिग्री इक्वल्स टू साइन 270। हां सर, ये स्टेप नहीं समझा? हां सर। देख ये मैंने 210 को ब्रेक करके लिखा है, 210 अगर ऐसा लिखा हुआ है, चलो मैं एक बार और रिपीट करता हूं, ठीक है? फिर से देखो, आपके पास क्वेश्चन में 210 डिग्री है, 210 डिग्री कहां पे आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा इज नेगेटिव, कॉस थीटा इज आल्सो नेगेटिव, टैन थीटा इज पॉजिटिव, है ना? समझ गए कि नहीं? यस। थर्ड क्वाड्रेंट की बात है, तो अब आप 210 डिग्री को ब्रेक कर दो, दो टुकड़ों में तोड़ो इसको, 210 डिग्री को क्या लिख सकते हो, 270-60 लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो सर? उसकी जगह 180 प्लस कुछ करेंगे चलेगा चलेगा, लेकिन ये वाला फार्मूला अभी नहीं बताया मैंने, 180+30 ये भी चलेगा, लेकिन अभी नहीं बताया ना मैंने, ये अपन ने कौन सा वाला किया, 270 के बाद वाला किया ना अपन ने, यहाँ पे थीटा किसके बराबर है, तो इसमें ये भी चलता है, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, 210 डिग्री इज इक्वल टू 270-थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आपका। अब यहाँ पर आप क्या कर लो, साइन ले लो, तो साइन 210 फिर साइन 270-थीटा, समझ गए? और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, तो यहाँ माइनस का साइन आएगा, और साइन 270-थीटा वापस क्या बन जाएगा, कॉस थीटा।
तो माइनस ऑफ कॉस 60 डिग्री और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो आंसर क्या आ गया -1/2। अभी समझ गए या नहीं? यस सर। अभी भी डाउट है? नहीं सर। नहीं है? हाँ। अब ऐसे cos 330 को, तो 330 कौन से क्वाड्रेंट में आता है? इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा प्लस sin थीटा इज माइनस, tan थीटा इज आल्सो माइनस, है ना? तो अब इसको सिंपलीफाई करते हैं अपन। तो 330 को क्या लिखो आप? 360 माइनस 30 लिख सकते हो कि नहीं? यस। तो दिस इज 330 डिग्री इक्वल्स टू 360 माइनस थीटा। अब तो आपको cos की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर भी आप cos 330 लिख दोगे और राइट साइड में भी cos 360 माइनस थीटा लिख दोगे। तो cos 360 माइनस थीटा, भाई एक मिनट, ये 360 से अभी नहीं पढ़े अपन ने, अभी 270 का पढ़े अपन ने। तो 270 में ऐड करके चलते अपन। तो दिस इज 270 डिग्री प्लस 60 डिग्री, लिख सकते हो बेटा इतना? 270 प्लस 60 आया ना? तो दिस इज 270 डिग्री प्लस थीटा। कॉस 330 डिग्री इक्वल्स टू कॉस ऑफ 270 प्लस थीटा। अब 330 की वैल्यू जो आएगी ये प्लस में रहेगी, क्योंकि कॉस पॉजिटिव, तो यहाँ पे प्लस ले लो। और cos 270 प्लस थीटा वापस से क्या लिख दोगे? sin थीटा। ये sin थीटा मतलब प्लस ऑफ sin 60 डिग्री, एंड sin 60 की वैल्यू क्या होगी? √3/2। तो cos 330 की वैल्यू √3/2 होती है। आप लोग चेक कर लो जरा टेबल से, चेक करो जो टेबल बनवाया था कल मैंने। यस सर, बराबर है। अभी समझ गए कि नहीं? अभी समझ गए कि डाउट है कुछ? नो सर। अभी इस पेज का भी आप लोग स्क्रीनशॉट लो सर। फिर से एक बार बता दो cos 330 वाला। तो एक बार स्टेप देख, मैं रुका हुआ हूं, फिर उसके बाद पन कि 180 के साथ में क्या होता है। ठीक है, 180 के साथ में क्या होता है? थीटा लेस देन 90 डिग्री है और ग्रेटर देन 0 डिग्री है। तो सबसे पहले अगर मैं लिख दूं 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड में। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे लिखोगे साइन 180 माइनस थीटा, तो इसका आंसर प्लस साइन थीटा, साइन का साइन ही रहेगा, और कॉस 180 माइनस थीटा करते हो तो ये होगा माइनस कॉस थीटा। तो जब आप 180 में थीटा सब्ट्रैक्ट या एड कर रहे हो, जिसमें थीटा की वैल्यू 90 से कम हो, तो साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस रहता है, और टेन का टेन रहेगा। टेन 180 माइनस थीटा इज अगेन इट इज माइनस टेन थीटा। अब सेकंड आते हैं अपन, 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, तो साइन ऑफ 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, cos of 180 plus theta minus cos theta, tan of 180 plus theta is plus tan theta, मतलब फंक्शन नहीं बदल रहे। फिर थर्ड में आते हैं अपन, अब 360 minus theta, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो sin 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। कॉस 360 माइनस थीटा इज प्लस कॉस थीटा, और टेन 360 माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा, और फोर्थ अब देख रहे हैं अपन 360 डिग्री प्लस थीटा। तो 360 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? फर्स्ट में, और फर्स्ट में सब पॉजिटिव है, तो साइन 360 प्लस थीटा इज अगेन प्लस साइन थीटा। कॉस 360 प्लस थीटा इज प्लस कॉस थीटा, एंड टेन 360 प्लस थीटा इज अगेन इट इज प्लस
tan थीटा, तो ये इस तरह से, तो जब आप 180 के साथ में लेते हो तो साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, या 360 के साथ ले रहे हो तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, लेकिन जब आप 90 या 270 के साथ लेते हो तो साइन का कॉस बदलेगा, कॉस का साइन बदलेगा, टेन का कॉट होगा। समझ गए? अरे समझ गए, ये आइडेंटिटी है, समझ गए या नहीं? यस सर। देखो आपको मान लो साइन 210 की वैल्यू निकालना है और कॉस 330 की वैल्यू निकालना है, वैसे तो मैंने निकाल के बताई दिया था ये, है ना। अब इसको 180 वाले मेथड से निकालते हैं, तो 210 बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या आएगा? नेगेटिव। तो 210 को क्या लिख सकते हो आप? 180 प्लस 30, 210 विल बी 180 डिग्री प्लस थीटा। तो अब दोनों तरफ साइन ले लो, साइन 210 साइन 180 प्लस थीटा, तो ये माइनस में आएगा यहाँ पे, दिस इज माइनस, और साइन 180 प्लस थीटा अगेन इट इज साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा की जगह पे कितना डिग्री आपका? 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो गया। समझ गए? अरे समझ गए? सेम मेथड से आप कॉस 330 का भी निकाल सकते हो, ट्राई करना, लेकिन उसको 360 में से माइनस कर देना है, तो ये सेम ही वैल्यू आती है, आप कैसे भी निकालो। तो आज जितना अपन ने पढ़े ना, ये वाला पोर्शन उसका चार्ट बना लो, दो दो तीन तीन बार लिख लो, तो आपको याद हो जाएंगे। मतलब एक बार में नहीं होता ये, दो चार बार, पांच बार, दस बार में याद होती है, और ये बहुत आसान है, मतलब ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इसमें, दो चार बार, आठ बार लिखोगे तो याद हो जाते हैं।